क्या कर रही हो? अरे तो क्या 6-7 बरस में वो उतने की उतने ही रहती? अम्मा मैं सबकी उम्रों का नजर रखूंगा, एक तो आपने बता दिया उसे अंदर ही भेज दिया। तो क्या हुआ, तुम्हारी खाला के बेटे हैं वो? तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं सीधा अंदर चला जाता तो? तुम तो यूं कह रहे हो जैसे कोई बहुत गलत बात हो गई हो। क्या हुआ है बताओ? अरे कुछ क्या बातें हो रही है दोनों में? अब देखो जरा, उससे नाराज हो रहा है कि मैंने बताया क्यों नहीं राबिया कितनी बड़ी हो गई है। मुझे क्या मालूम था ये उसे 12-13 बरस की समझ रहा है अभी भी। अरे पूछा तो था इसने। हाँ। अच्छा ये बताओ कि अब भी इसकी शक्ल पार्वती से मिलती है? पार्वती? पार्वती? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि इसकी शक्ल पार्वती से मिलती है। छोड़ भी दो सुल्ताना, कितनी पुरानी बात लिए बैठी हो तुम। अरे मजाक कर रही हूँ, मुझे भी अच्छी तरह पता है कि कहाँ वो पार्वती और कहाँ मेरी चांसी राबिया। आप लोग बातें करें, मैं देख के। ये राशिद कहाँ है? मेरा ख्याल है बाहर निकला हो। मैं देख के आता हूँ। कुछ मंगवाया क्या उससे? हाँ शायद। सारे नादर साहब आज फाड़ दे गए। हाँ तो रोका क्यों नहीं उन्हें? किधर? नीचे। नादर, नादर क्या बात है, बगान मिली जल्दी है यार। वो बड़ी जरूरी फाइल देनी थी, मैंने कहा तू मेहमानों में मसरूफ होगा, मुखल ना हो। सब कैरियर से पहुंच गए? हाँ हाँ। चल फिर, मैं तेरा ज्यादा टाइम नहीं रहता, मैं चलता। नहीं तो तू खाना खा के जाना। अब तेरी भाभी को बता के नहीं आया, इंतजार कर रही होंगी। तो भाभी को बोल के आ जाना। हसन कुछ परेशान सा लग रहा है। नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं यार, वो राबिया। राबिया कौन? उनकी बेटी। तो उसको गलती से हाथ पकड़ लिए। चलो शुरुआत तो अच्छी हुई ना। फजूल बात मत कर यार, तुम्हें तो पता है मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। हाँ पता है मुझे, लेकिन मुझे ये बता कि हाथ पकड़ लिए तो परेशानी कौन सी होगी? ज्यादा खूबसूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, आम सी लड़की है, बाल भी कटे हैं। बड़े गौर से देखे जनाब ने। अब जाहिर सी बात है मेरे सामने आएगी तो मैं आंख बंद कर ले सर। हाँ वैसे ये तो है। तो तू खाना खा के जाएगा ना? अब उससे क्या फर्क पड़ेगा यार, हम अकेले में बैठ के खा लेंगे, मुझे उनके साथ नहीं बैठना पड़ेगा। यार तू मुझे सुबह नाश्ते पे भी बुलाएगा? एक लड़की के आगे तेरे घर में तेरे तो हाथों के तोते उड़ गए हैं।